मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड में एक वर्ष के कठिन परिश्रम करने के बाद 45 अधिकारी जिसमें 5 महिला सहायक सेनानी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। पासिंग आउट होने वाले अधिकारियों में उत्तर प्रदेश से 12, दिल्ली से 8, हरियाणा से 5, उत्तराखंड से 4, बिहार व पंजाब महाराष्ट्र से 2-2, कुल मिलाकर 45 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रश्नार्थी के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह में बल के वरिष्ठ अधिकारियों व प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के अभिभावकों ने युवा अधिकारियों के कंधे पर सितारे सजाकर उनका संवर्धन किया और उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। आईटीबीपी उप महानिदेशक अजय पाल सिंह ने कहा कि आईटीबीपी 45 डिग्री के तापमान में मुश्किल हालातों में मुस्तैदी से काम करने वाला एक अनुशासित प्रशिक्षित बल जो देश के अलावा विदेशों में भी महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके लिए इन अधिकारियों को अच्छे से तैयार करना है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। बहुत खुशी है हमको क्योंकि एक साल की ट्रेनिंग का पीरियड था, उसके बाद फाइनली ये अच्छा दिन आया हमारी लाइफ में जिसमें अब हमारी कमीशनिंग है, हमें अपने रैंक्स मिले हैं, तो इट्स बहुत अच्छा लग रहा है। आज आगे बहुत चुनौती हैं, बिल्कुल तैयार हैं और सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फौज में हम जैसे लोग हैं जो चुनौतियों के लिए एकदम रेडी हैं, तो डोंट वरी। ये हमारा असिस्टेंट कमांड जनरल ड्यूटी कोर्स जो होता है उसमें उसके 22 अधिकारी पास आउट हुए हैं जिसमें एक महिला अधिकारी भी थे, और जियो कॉम्बोडेशन जिसमें कि हमारे अदर देन जीडी जो हमारे स्पेशलाइज काडर के ऑफिसर्स होते हैं जैसे डॉक्टर, वेटनरी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स वगैरह, उनका अलग से जो ट्रेनिंग चलता है 25 हफ्ते का, एक बैच वो था, उसमें 23 अधिकारी थे जिसमें 4 महिलाएँ थी। और ये जो जीडी बैच था इसका 50 वीक का ट्रेनिंग था, और जैसे आप जानते हैं आईटीबीपी का हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत रिमोट एरियाज में है और एक्सट्रीम एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सर्व करना होता है, उस तरह से हम लोगों ने अपने इन ट्रेनीज को उस तैयार किया है ट्रेनिंग के दौरान जिसमें कि अपनी आने वाली समय की जो चुनौतियाँ हैं उनको पूरी तरह से पूरा कर पाएँ।